गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जनरल इंजीनियरिंग में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम आपको जनरल इंजीनियरिंग में सिविल पोर्शन पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है बच्चों। सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट है, एक आपका इलेक्ट्रिकल है और दूसरा जो है सिविल है। तो हम सिविल पे बच्चों यूनिट फर्स्ट पे हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट पे चर्चा हम कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट पे अब तक हमने स्टोन, ब्रिक, लाइम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो हमारा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा आपका, आज आपको पढ़ाया जाएगा टिम्बर, ठीक है बच्चों। टिम्बर मतलब लकड़ी, आप जिसे कहते हैं लकड़ी या प्रकाष्ठ, इसको प्रकाष्ठ के भी नाम से जाना जाता है, प्रकाष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम इसको डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बच्चों हम इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो टिम्बर आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों, लकड़ी सभी लोग को पता है कि लकड़ी क्या है, लेकिन यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग के नज़रिए से लकड़ी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको जनरली जो है प्रकाष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों प्रकृति में जो लकड़ी है किससे प्राप्त होती है, वृक्षों से प्राप्त होती है। इतना सभी पता है कि जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, ये किससे प्राप्त होगी, ट्री से प्राप्त होगी, ठीक है ना, ट्री से प्राप्त होगी, मतलब वृक्ष से, पेड़ों से प्राप्त होगी, ठीक है। तो जनरली जो है बच्चों, ये ईंधन लकड़ी और इमारती लकड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी दो प्रकार से होती है, एक ईंधन की लकड़ी और एक इमारती लकड़ी, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया फ्यूल वुड और वुड, जिसे आप, ठीक है, ईंधन लकड़ी के नाम से आप कहते हैं अथवा इमारती लकड़ी के नाम से कहते हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस इमारती लकड़ी पे करना है, टिम्बर पे फोकस करना है, ठीक है। तो ईंधन जो है सभी को पता है, लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के काम आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी टहनियाँ, झाड़ आदि प्रमुख होते हैं। और टिम्बर बच्चों, जो आपके भवन, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा जो मेन मकसद है इंजीनियरिंग के नज़रिए से, वो किस में है, वो टिम्बर से है। तो टिम्बर में आप देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में बच्चों, जब हम भवन बनाते हैं तो आप जो दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, तो वो जनरली किसके होते हैं, वो प्रकाष्ठ ही तो है, समझ में आ रहा है, वो प्रकाष्ठ ही तो है। तो उसका प्रयोग हम जो है करते हैं, तो इसलिए जो है टिम्बर के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो हम मटेरियल लगाएंगे बच्चों, जैसे मटेरियल हम लगा रहे हैं, तो जो मटेरियल हम लगाएंगे, उस मटेरियल में आपको टिम्बर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। जैसे आपको मैंने बताया कि लाइम है मटेरियल, सीमेंट है, और आपका ब्रिक है, स्टोन्स है, तो ठीक उसी प्रकार से मटेरियल में हम टिम्बर के भी बारे में जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि अच्छी लकड़ी कौन सी होगी। तभी तो आपको पता चलेगा कि जो दरवाज़ा लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे, उसमें किस प्रकार की लकड़ी हमें लगाना है, ठीक है। तो इसी के बारे में बच्चों आपको उसमें जो है अच्छी तरीके से आप तभी जान पाएंगे जब आप इसकी विशेषताओं को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो देखते हैं पहले हम बच्चों की, ये जो टिम्बर है इसको जनरली हम, आप देखिए इसका एक सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए पेड़ है, पेड़ का ये सेक्शन दिखाया गया है, किस प्रकार से जो है पेड़ होता है, ठीक है। तो वृक्षों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, हमने क्या कहा कि टिम्बर किससे प्राप्त होगा,
वृक्षों से प्राप्त होगा, पेड़ों से प्राप्त होगा। तो पेड़ जो है उसकी संरचना दिखाया गया है, तो उसमें क्या क्या होते हैं यहाँ पे देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपरी भाग जो होता है पेड़ का वो आउटर बार्क कहलाता है, बाहरी छाल कहलाता है, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद जो होता है आपका इनर बार्क होता है, ठीक है, भीतरी छाल होती है, ठीक, भीतरी छाल जो होती है बच्चों। उसके बाद आपका अगर आप देखें तो मेडुलरी रेज होती है, ठीक है, मेडुलरी रेज, छोटी छोटी रेज जो होती है, मेडुलरी रेज होती हैं। फिर बच्चों ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो रिंग्स आपको दिखाए गए हैं, ये जो आपको है कई ढेर सारे रिंग्स जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये आप देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये सब, ये सारे पॉइंट, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, ये एनुअल रिंग्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं आपके, एनुअल रिंग्स कहलाते हैं, ठीक है, वार्षिक वलय कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। और जो इसके अंदर के और भाग अगर हम देखें, इसके अंदर के और भाग, ये देखिए अंदर का पोर्शन, ये सबसे अंदर का भाग, ये जो आपका ये इस प्रकार से है, तो ये अंदर वाले पोर्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, ये आपका पोर्शन यहाँ से देखिए अंदर वाला, अंतःकाष्ठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो अंदर है बच्चों, ये वाला पोर्शन आपको, ये क्या है, सैप वुड कहलाता है, रस काष्ठ कहलाता है। रस काष्ठ मतलब जैसे आप लकड़ी, जब हम लकड़ी काटते हैं, वृक्ष काटते हैं बच्चों, तो उसमें देखिए ताज़ा जो वृक्ष होता है उसमें से रस निकलता है, मॉइस्चर टाइप का एक रस निकलता है, नमी जैसे आपको लगेगा कि पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वो रस काष्ठ होता है, अंदर विद्यमान रहता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि जो टिम्बर है, टिम्बर प्राप्त किससे किया जाता है, ये आप सभी को पता है कि किससे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी वृक्षों से प्राप्त करते हैं। और उसकी जो सबसे बाहरी भाग होता है वो आउटर बार्क कहलाता है, फिर एक उसके अंदर इनर बार्क होता है, फिर हर्ट वुड होता है, मेडुलरी रेज होते हैं, मेडुलरी रेज होते हैं बच्चों, ठीक है ना, और अंतःकाष्ठ होते हैं, सैप वुड होते हैं, ये सारे जो है। और ये जो सबसे अंदर वाला भाग जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं, ठीक है। और ये बच्चों आपको तना सब लोग जानते होंगे, बाकी ये सब पोर्शन आप जानते होंगे कि तना किसे कहते हैं, आप सभी लोग पेड़ से परिचित होंगे, तो उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है किस बेस पे बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बच्चों कि जो है वार्षिक वलय, यहाँ पे देखिए एक चीज़ वार्षिक वलय दे रहा है, वार्षिक वलय से हम जो है पेड़ों के आयु के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या पता कर सकते हैं कि आयु कितनी है, उस पेड़ की आयु कितनी है, आयु जो हम प्राप्त कर सकते हैं ये हम वार्षिक वलय से प्राप्त करते हैं। मतलब बच्चों ये कि पेड़ों का निर्धारण करने के लिए, आयु निर्धारण करने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, हमें वार्षिक वलय अगर आपको पता है, वार्षिक वलय से हम क्या निर्धारित करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं, आयु निर्धारण होता है पेड़ों के आयु का निर्धारण करते हैं। मतलब इससे ये पता चल जाता है कि कितने साल का ये पेड़ है, ये लकड़ी कितने साल पुरानी है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बच्चों ये आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये आप फोकस में ज़रूर रखिएगा, एनुअल वलय, वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स से किसी भी पेड़ के हम क्या करते हैं, आयु का पता करते हैं, ठीक है। और सबसे अंदर का भाग दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि लकड़ी जो पेड़ है उसका सबसे अंदर का भाग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पिथ जो है सबसे अंदर का भाग होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट बन सकता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अगर आप फिगर में समझ गए होंगे कैसे जो है उसका सेक्शन देखा जाता है, तो कैसे होता है, तो इससे आप परिचित हो गए होंगे। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि जनरली जो है आपका जो लकड़ी है बच्चों, क्लासिफिकेशन ट्री जो है दो प्रकार से होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा मौसमी या हरियाली के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं वो एक एक्सोजीनियस होते हैं, एक इंडोजीनियस होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों, देखिए एक्सोजीनियस जो होता है ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो वृक्ष होते हैं ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ते हैं। मतलब बच्चों ये कि ये ऊंचा भी होगा, देखिए ये बच्चों जैसे ये जो होते हैं ये तो आपके लंबाई में भी ज़्यादा होगा और ये मोटे भी होंगे, क्या होंगे, मोटे भी होंगे, ठीक है बच्चों। ये जो है इसमें भी ऊंचा भी रहेगा और ये मोटाई में भी रहेगा। तो इस प्रकार का जो ट्री होगा वो जो है किसमें आएगा, एक्सोजीनियस में आएगा, ठीक है बच्चों, एक्सोजीनियस में आएगा। मतलब जो वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में बढ़ते हैं वो वार्षिक वलय कहलाते हैं। अधिकांशतः इसके उदाहरण क्या है, आम, ध्यान दीजिए पूछ सकता है आम, शीशम, साल, सागौन, देवदार आदि जो है, ये ऐसे चार ऑप्शन में दे देगा, कोई भी इसमें से एक ऑप्शन, मतलब एक चीज़ ऐसे पूछना हुआ इसमें से देके चार और नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा कि आपको ये बताइए कि इसमें से जो है कौन सा जो है एक्सोजीनियस ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा एक्सोजीनियस एंडोजीनियस के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप ध्यान रखना है आपको कि जो एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियस में आपका क्या क्या आ जाएगा, आम, शीशम, सागौन, ये सब जो है एक्सोजीनियस में आ जाते हैं, ठीक है। इंडोजीनियस में क्या होता है बच्चों, इंडोजीनियस में ये वृक्ष लंबाई में बढ़ते हैं और लंबे और पतले होते हैं। इसमें क्या है, जैसे आप देखे होंगे एकदम से पतला पेड़ हो ठीक है, लंबाई में पतले पेड़ हो, ठीक है, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से लंबाई में, ये वृक्ष लंबाई में तो बढ़ते हैं, इनकी बढ़ोतरी तो होती है, लंबा होगा और पतला होगा, इसकी ऊंचाई जो है वृक्ष की कड़ियों जैसे होती है, ठीक है। तो इसके इंजीनियरिंग कार्यों में इनका प्रयोग जो है बच्चों हम करें तो नाम मात्र का ही प्रयोग होता है। मतलब बच्चों ये कि सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कार्यों में जो प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, ये एक्सोजीनियस होगा। इंजीनियरिंग कार्यों में कौन सा प्रयोग होगा, एक्सोजीनियस होगा। ये ध्यान रखें कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि इसके जो है आम, शीशम, साल, सागौन, देवदार आदि जो है किसके उदाहरण हैं, तो आप बताएं क्या एक्सोजीनियस होता है, ठीक है। इंडोजीनियस में मैंने क्या बताया, जो पेड़ लंबे होते हैं और उतने जो है मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पेड़ आपके माइंड में तुरंत आ गए होगा, लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मोटे भी नहीं होते हैं, तो वो क्या हो गया, बांस हो गया, खजूर हो गया, नारियल हो गया, इसका जो पेड़ है ये जो है किस में आते हैं बच्चों, इंडोजीनियस के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी दोनों पे बनेगा, एक्सोजीनियस इंडोजीनियस, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से स्टडी कर रहे होंगे, हम पीडीएफ भी भेज देंगे बच्चों इसको जो है, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पे बनता है ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि इस पे फोकस करना है इन दोनों चीज़ों पे, ये बराबर पूछता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जांपल सहित आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, और तब तक बच्चों आप लोग जो है इस प्लान को एक बार फिर से स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, यहीं से जो है क्वेश्चन जो है पुटअप होता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है बच्चों।